हेलो दोस्तों, आज की हमारी रेसिपी चना दाल और काले चने के तड़के की रेसिपी, या तो दाल फ्राई बोल सकते हैं इसको। तो मैं यहाँ पे इस कटोरी से डेढ़ कटोरी यहाँ पे नाप के लिए थी चना, और इसको भिगो के रखी हूँ 2 से 3 घंटे के लिए। चलिए, हमारा चना भीग गया है, इसको हम डाल देते हैं प्रेशर कुकर में ताकि इसको हम उबलने के लिए या बॉईल होने के लिए रख लेंगे। चलो, इसमें हम पानी डाल देते हैं देख के चना को। बस हमें इतना ही पानी चाहिए, लेकिन थोड़ी सी और दे देंगे दोस्तों। चलिए, इसमें हम नमक डाल देते हैं, ये एक चम्मच से कम है, सिर्फ नमक ही डालेंगे। चलिए, गैस ऑन कर लेते हैं। गैस ऑन हो गया है हमारा दोस्तों, मैं ढक्कन लगा लेती हूँ। चलो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ढक्कन लगे, इसको हम 3 से 4 सीटी आने के बाद इसको हम बंद कर देंगे गैस को। तब तक इसको हम छोड़ देते पकने के लिए या बॉईल होने के लिए अच्छे से, और आगे की तैयारी करें। दोस्तों, यहाँ पे हमारा चना बॉईल हो गया है या उबल गया है। चलिए, इसका ढक्कन हटा के थोड़ा चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ इस तरह का है। तो चलिए, इसको ले के चलते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा बस पानी है इसमें, जो आगे हमको इसको हम इसको गाढ़ा कर लेंगे इसको। देखिए दोस्तों, चलिए आगे मिलता है वीडियो में, तब तक मेरे साथ रहिए। चलो दोस्तों, हमारा चूल्हा लग गया है, चलिए कढ़ाई चढ़ा लेते हैं, या क्या बोले उसको, पानी। और इसको गर्म होने देते हैं। दोस्तों, हमारा कढ़ाई गर्म हो गया, चलिए हम इसमें ऑयल डाल देते हैं। लगभग 3 चम्मच के करीब। ऑयल को भी हम गर्म होने के लिए छोड़ देते हैं। चलिए, इसी के साथ हम ऑयल में चीनी 1 चम्मच डाल देते हैं। फिर हम थोड़ी सी और डाल देंगे, हो गया, और इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, चलिए इसमें हम प्याज डाल देते हैं। इसको मैं कूट के लिए हूँ, एक बड़ा प्याज और एक छोटा प्याज को मैंने काट के छोटे छोटे करके लिए हूँ। इसको हम ऑयल में फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ये अदरक लहसुन का दरदरा कूटा हुआ, इसको भी हम डाल देते हैं, और इसको भी मिला लेते हैं।
यहाँ पे हल्दी पाउडर 1 चम्मच ले रहे हैं। इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे 1/2 चम्मच नमक दे रही हूँ मैं। इसको मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों यहाँ पे मैं 2 टमाटर को काट के ली हूँ, चलिए इसको भी डाल देते हैं और साथ में कुछ मसाला भी डाल देते हैं इसमें, जैसे कि धनिया पाउडर 1 चम्मच करीब, टमाटर को गलने देंगे हम, इसको गलने देते हैं। यहाँ पे गरम मसाला पाउडर 1/2 चम्मच से कम है, इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। दोस्तों यहाँ पर दालचीनी पाउडर 1/2 चम्मच से कम ले रही हूँ, चलिए इसको भी मिला लेते हैं अच्छे से। और टमाटर भी हमारा गल गया है, दोस्तों टमाटर हमारा गल गया है। या ये 2 हरी मिर्च है, इसको भी डाल देते हैं क्योंकि हम इसमें कोई मिर्च नहीं डाले, इसलिए मैं सिर्फ हरी मिर्च डाल रही हूँ, मिर्च पाउडर नहीं डाले हैं। चलिए हम ये दाल चना दाल को भी डाल देते हैं इसमें। दोस्तों यहाँ पे मैं थोड़ी सी पानी इसमें मिला ली हूँ क्योंकि इसको थोड़ा हम और उबलने देंगे ताकि ये हमारा जो चना दाल और थोड़ा सा मतलब मेल्ट हो जाए, और इसको हम ढक्कन लगा के छोड़ देंगे बॉईल होने पकने के लिए। चलिए ढक्कन लगा लेते हैं और इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं, और इसको हम धीमे आँच में छोड़ देंगे पकने के लिए। देखिए दोस्तों एकदम धीमे आँच में हम छोड़ देंगे वैसे। तो चलिए मिलते हैं बनने के बाद, और आगे इसमें और भी कुछ डालेंगे। तब तक के लिए हम अच्छा जुड़े रहे और मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे आगे बढ़ने के लिए मेरी हौसला बढ़े और मुझे सपोर्ट करिए। मेरे मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते रहे हम आगे ऐसे ऐसे नए नए वीडियो के साथ। दोस्तों नया वीडियो नहीं तो ये जो मान के चले क्या बोलते हैं उसको, मतलब ये रात को बना रहे ना, तो ये रात में बनाती हूँ खाने के लिए रोटी के साथ, या कभी कुछ भी बनता है तो मैं वही बना लेती हूँ। तो कोई नई वीडियो नहीं, यही है जो घर में बनता है उसी को ही बनाती हूँ। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक इसको हम छोड़ देते पकने के लिए। तो हमारे साथ जुड़े रहे, थैंक यू सब दोस्तों, थैंक यू नहीं, आगे जुड़े रहे हमारे साथ, थैंक यू बेटा वाला। चलिए दोस्तों हम चेक कर लेते हैं हमारा दाल फ्राई या चना दाल के तड़का कैसा बना है। दोस्तों ये कुछ इस तरह बना है, और हमें इतना ही क्वांटिटी का मतलब इसमें पानी चाहिए या इसको क्या ग्रेवी चाहिए। तो चलिए इसको हम चूल्हे से उतार लेते हैं। दोस्तों इसमें हम कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल देते हैं क्योंकि हम इसको अभी चूल्हे से करेंगे, उतना टाइम इसको डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है।
आपको मिला लेते हैं। अगर आपके पास धनिया के पत्ते हो तो आप अभी डाल सकते हो, मेरे पास अभी नहीं है। तो चलिए इसको हम नीचे उतार लेते हैं। दोस्तों देखिए कुछ इस तरह बना है और थोड़ा भाप निकल रहा है, तो देखिए कुछ इस तरह बना है एकदम हेल्दी। इसे हम चना दाल और काले चना को लेके मिला के किए हैं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आगे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक छोटा सा प्लेट ले ली हूँ या कटोरी कुछ भी। चलिए इसको दाल को हम इसको मतलब दाल फ्राई को निकालते हैं, चना दाल फ्राई को। दोस्तों थोड़ा सा हम इसको गार्निश करेंगे ये पुदीना के पत्ते के साथ। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा चना दाल बन के तैयार हो गया है। इसको हम रोटी के साथ, ये रोटी के साथ बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए Thank you.